तो आज हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की। रेजिस्टेंस जो होते हैं जैसे घर में पंखा, टीवी, ट्यूबलाइट, मोबाइल, लैपटॉप, गीजर, ऐसे सब सब क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जो भी चीज करंट को यूज करता है, करंट को रोकता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस के अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हमें पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब एक रेजिस्टेंस के बाद दूसरा रेजिस्टेंस सीधा सीधा लगा होगा, ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां से लगा ली हमने एक इलेक्ट्रिक सेल, इसको बोलते हैं सेल। सेल सप्लाई करती है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को फ्लो होने के लिए किसकी जरूरत होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है ना भाई? बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट कैन नॉट फ्लो। करंट ऑलवेज रिक्वायर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? जैसे हीट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे ना करंट फ्लो कराने के लिए हमने क्या ले लिया है? पोटेंशियल डिफरेंस। और वो कौन देता है? सेल। सेल क्या होता है? बैटरी। बैटरी क्या होता है? बहुत सारी सेल, बहुत सारी सेल मिला दी, बैटरी बन गया। एक सेल है तो सेल बोल रहे हैं, ठीक है? तो सेल क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने बोल दिया वी पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। कितना दे रहा है? वी, मतलब ये पॉजिटिव एंड होता है, ये नेगेटिव। क्यों भाई? जो पतला लंबा है उसको पॉजिटिव, छोटा है उसको नेगेटिव, ऐसे ही बोल दिया, कन्वेंशन बनाया, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। तो हम बोल देंगे ये वाला एंड वी पे है, ये वाला एंड जीरो पे है। ये क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस देता है ना सेल। पोटेंशियल तो देता नहीं, क्या देता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने बोला पॉजिटिव वाला वी पे, ये वाला जीरो पे, डिफरेंस हो गया वी माइनस जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी हो गया। ये सेल इन दोनों को मिलाकर पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है वी, या एक एक को दे रहा है वी, ये देख कर समझ में आएगा। मान लेते हैं यहां से करंट निकला आई, तो यहां भी करंट गया आई, इस रेजिस्टेंस में भी करंट गया आई, कुछ 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 पे यहां भी कितना आ गया आई, कुछ 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 पे यहां भी कितना आ गया आई, और ये करंट भी आई, ठीक है ना? तो हमने एक चीज बड़ी ध्यान से देख ली कि करंट दोनों में क्या जा रहा है, सेम। तो सीरीज का सबसे प्रथम, सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है कि करंट इज सेम। ओके, तो सीरीज का नियम है भाई साहब, करंट क्या रहेगा? सेम। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है भाई साहब, तो करंट विल रिमेन सेम इन ऑल द रेजिस्टर। जितने भी रेजिस्टर एक लाइन से लगे हैं सब में करंट सेम रहेगा। फिर बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। एक बात पे बात, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पहले वाले रेजिस्टेंस को मैंने यहां पे बनाया, इसका रेजिस्टेंस है आर वन और करंट है आई वन, तो करंट तो सेम है आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर वन। दूसरे वाले को यहां पे बनाया, इसका रेजिस्टेंस आर टू, इसमें करंट है I, तो पोटेंशियल डिफरेंस आई आर टू। पढ़ा है कि नहीं? V इज इक्वल टू आई आर, वही फॉर्मूला लगा दिया, V इज इक्वल टू आई आर वन, V इज इक्वल टू आई आर टू। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों में पोटेंशियल अलग अलग है। इसको मैं बोल देता हूँ वी वन, इसको बोल देता हूँ वी टू। सेम है कि अलग अलग है भाई? करंट तो दोनों से पास होकर सेम जा रहा, ये जो आ रहा ना पोटेंशियल डिफरेंस आर वन में कितना आई आर वन, तो आई तो दोनों में सेम है पर R1 R2 की वैल्यू क्या है? डिफरेंट, जिसकी वजह से V1 और V2 डिफरेंट। तो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये सीरीज में है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता, क्या सेम होता है? करेंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, क्यों डिफरेंट है? दिख रहा है ना यार, V1 is equals to IR1, V2 is equals to IR2। अगर R1 R2 इक्वल हो जाएंगे तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम हो जाएगा, पर वो एक स्पेशल केस है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसलिए हमने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। विच के मे बी सेम, विच मे बी सेम, बट करंट इज सेम ऑलवेज। आई शुड राइट इट, करंट इज सेम ऑलवेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट इज सेम ऑलवेज। और पोटेंशियल के बारे में कुछ पता नहीं। अच्छा 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 तो फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए? फिर हमारे पास जो काम होता है वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है? इक्विवेलेंट बोले तो मतलब ये जो हमारी ये है ना, ये इनको हम बोलते हैं मदर, मदर ऑफ द सर्किट ना, इनके बिना सर्किट चल नहीं सकता। तो ये जो मदर होती है ना, मदर किसी रेजिस्टेंस को ऐसे अलग से नहीं देखते कि ये रेजिस्टेंस छोटा है, ये रेजिस्टेंस बड़ा है। मदर देखती है कि हाँ ठीक है, मेरे को इतने लोग घर में संभालने हैं और सबको मिलाकर मुझे कितना काम करना है, ठीक है? वो ऐसे नहीं देखते कि बड़ा भाई है छोटा भाई, तुम देखने में बुरे लगते हैं, तो बड़ा भाई स्मार्ट लगता है, तो मदर को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करती है। सेल वर्क्स अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक एक रेजिस्टेंस से उसको फर्क नहीं पड़ता। तो सेल ने बोला कि हम आर वन आर टू, हमें भाई साहब दिख ही नहीं रहा, हमें दिख रहा है आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, हमें कुल मिलाकर इतना रेजिस्टेंस दिख रहा है और सेल का पोटेंशियल है वी। तो ये आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल है? तो एक दिमाग में ख्याल आता है आर वन प्लस आर टू, पर इसको प्रूफ करना पड़ेगा इस बात को कि इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू के इक्वल है। तो ठीक है ना भाई साहब, यहाँ से करंट निकला आई, इसमें भी करंट कितना जाएगा? कुछ 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 कुछ, यहाँ भी करंट आई, यहाँ पे भी करंट आई। अच्छा, यहाँ पे ओम्स लॉ के हिसाब से क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? V is equals to I R E, लिख सकते हैं V is equals to I R E, एकदम सही। अच्छा, यहाँ पे हम क्या इक्वेशन लिखें? अब यहाँ पे क्या किया जाए, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल इसमें भी गया और इसमें भी गया, अलग अलग गया, देख चुके हम। तो यहाँ पे क्या होता है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको ये समझना है सीरीज में कि पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्री
ब्यूटेड पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, जा जाके एक में बट जाता है, और करंट सब में क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो हम पोटेंशियल के यहाँ वी के लिए लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस जो इसमें है। तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आई आर, तो इसमें हो गया आई आर वन, इसमें हो गया आई आर टू, टोटल हो गया आई आर वन प्लस आर टू, और इस इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, वी भाई साहब। और V किसके इक्वल है, आई आर ई के इक्वल है, ये V किसके इक्वल है, आई आर ई के, तो इसके लिए इक्वल लिख सकते हैं आई आर ई, आई ने आई को मार दिया, आर ई इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला बनके आता है वो बनके आता है आर वन प्लस आर टू, यानी सीधा सीधा रेजिस्टेंस ऐड करना है। फिर से समझा देता हूँ, सीरीज में करंट सब में सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंट रहता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लो नीचे 100 वोल्ट लिखा है तो 40 इसमें गया, 60 इसमें गया, या 50 50 दोनों में गया, या 30 एक में गया, 70 एक में गया, 30 एंड 70, वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो V जो होता है वो V1 और V2 करके डिवाइड होता है, जो इक्वेशन बनती है V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, बट करंट के लिए I1 प्लस I2 नहीं, करंट दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो करंट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने लिखा टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, यहां से I कॉमन R1 प्लस R2, फिर हमने कहा इन दोनों को हटा के इक्विवेलेंट लगा लेते हैं, उसमें पोटेंशियल V वही सेल लगी है, V इज इक्वल्स टू करंट तो वही निकलेगा IR, तो V ही है आईआरई के, भी ही इक्वल है इसके, तो हमने इसको इक्वेट किया, आईआई कट गया, आर इक्विवेलेंट आर1 प्लस आर2। तो मेरी बात ध्यान से सुने और ध्यान से सुनकर याद रखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम होता है, पोटेंशियल सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, पर ये हमेशा सही होगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 एंड करंट इज ऑलवेज सेम। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा, सीरीज में मान लो एक रेजिस्टेंस 2 ओम, एक रेजिस्टेंस 4 ओम, जोड़ के हो गया 6 ओम, एक 4 ओम, एक 6 ओम, जोड़ के हो गया 10 ओम, एक 3 ओम, एक 2 ओम, एक ओम, एक एक ओम, 3 2 1, 3 2 5 1 6। कहने का मतलब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ना वो सबके सम करके आता है, मतलब किसी भी रेजिस्टेंस से हमेशा बड़ा होगा, मतलब दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। मान लो तीन रेजिस्टेंस लिए, 3 2 1, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 3, इनका इक्विवेलेंट निकाला कितना आया, 3 2 5 1 6, तो 6 जो इक्विवेलेंट आया वो इनमें से सबसे बड़ा जो 3 था उससे भी बड़ा है। कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी पैरेलल में समझ में आएगा बड़ी बात क्या है, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पढ़ लो भाई। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं ऐसे ऐसे जो लोग खड़े होते हैं पैरेलल में, है ना, जैसे तुम खड़े होते हो असेंबली में, बगल में दूसरी लाइन में लड़के बच्चे खड़े होते हैं, वो किसमें होते हैं, पैरेलल में होते हैं। ठीक है, अच्छा पैरेलल समझते हो ना, जैसे एक रेजिस्टेंस ये ले लिया मैंने, इसको बोल दिया R1, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ ले लिया हमने, इसको बोल दिया R2, और इनको इनको ऐसे जोड़ दिया और इसमें एक सेल लगा ली, क्या लगा ली, सेल, सेल मतलब मदर, है ना, सर्किट की मदर, जो इसको क्या देने वाली है, पोटेंशियल, पोटेंशियल के बिना करंट फ्लो नहीं करता, बड़ी वाली को पॉजिटिव, छोटी वाली को नेगेटिव, यहाँ पोटेंशियल भी, यहाँ पे जीरो। अब ध्यान से सुनना बात को, ये वाला टर्मिनल का पोटेंशियल कितना V, और ये वाला कैसे जुड़ा है, किच 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 जीरो। अब ध्यान से देखो ये वाला रेजिस्टेंस किन दो पोटेंशियल के बीच में है, V और जीरो, और R2 भी किसके बीच में, V और जीरो, R2 के दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V और जीरो, R1 के V और जीरो, मतलब दोनों के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस जीरो, यानी V, यानी पोटेंशियल इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम किसमें, पैरेलल में, पैरेलल में दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। इस वाले में कितना V माइनस जीरो, इसमें भी कितना V माइनस जीरो, तो सीरीज में करंट सेम था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब बात आती है करंट की, तो उसको चेक कर लेते हैं। ये मैंने R1 को निकाल लिया, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, अच्छा तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल्स टू V बाई R1, जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर लिख लेते वैसे ही I इज इक्वल्स टू V बाई R1, और फिर मैंने R2 को भी निकाल लिया, R2 ये रहा, R2 पे भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो इस पे करंट कितना होगा V by R2, तो डेफिनेटली दोनों में करंट अलग है क्योंकि V तो सेम है पर रेजिस्टेंस अलग है, तो इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। सीरीज में करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और करंट डिफरेंट है क्योंकि V और V सेम है पर R1 R2 डिफरेंट है। अगर R1 R2 सेम होंगे तो करंट सेम हो सकता है, पर वो तो एक पर्टिकुलर केस होगा, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे करंट इज डिफरेंट, टू पॉइंट्स आर क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एंड करंट इज डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस सेम
बट करंट डिफरेंट। क्या हुआ भाई, करंट कैसे डिफरेंट हुआ? ये हुआ क्या भाई, देखो यहां से करंट निकला आई, किच 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 यहां ही पहुंचा आई, किच 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 किच। अब करंट के पास दो रास्ते, एक रास्ता अच्छा है एक रास्ता बुरा है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों रास्ते हैं, दोनों में रेजिस्टेंस है, उसको दोनों पे जाना है। करंट है यार, इतना इमोशन क्यों हो रहा है? एक आई वन एक आई टू, करंट है भाई, एक तरफ आई वन एक तरफ आई टू, डिवाइड हो गया और क्या। इसमें करंट कितना गया, मस्त आई वन, इसमें करंट कितना गया, गंदा आई टू। अच्छा ये भी मस्त आई टू, ठीक है। तो दोनों चले गए और यहाँ आके जुड़ गए, बन गए आई, सेल में वापस आई, सेल से जितना करंट लिया है ना उतना वापस लौटा देना, ठीक है ना, सेल छोड़ेगी नहीं, ठीक है, मदर जैसी फेंक के मारी कटा कटा। तो सेल से जितना भी करंट बाहर निकालने का है ना उतना करंट सेल को वापस नहीं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अरे मजाक बोलो पर ये बात सीरियस है, सेल से जितना करंट निकालो उतना वापस करो। तो पैरेलल में एक चीज हमको समझ में आई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम और करंट क्या होगा डिफरेंट होगा, है ना। अच्छा दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट डिवाइड हो रहा है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वहां इक्वेशन लिखी थी वी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू, और यहां देखो आई इज इक्वल्स टू आई, ये आई तो डिवाइड हो रहा ना किसमें, किसमें आई वन और आई टू। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कैपिटल आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, करंट यहां से डिवाइड हो गया, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन की, क्योंकि सेल जब देखेगी तो उसे दो रेजिस्टेंस दिखाई नहीं पड़ेंगे, सेल को सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेगा जिसको वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेगी। सेल ने कहा हटरे सारे रेजिस्टेंस, मेरे को दिख रहा है आर इक्विवेलेंट और मैं हूं वी वोल्ट की, R equivalent और V volt, तो R equivalent को कितना potential difference मिल रहा, V, जितना एक एक को मिल रहा था उतना ही equivalent को। Parallel combination में अगर इस पे potential difference V, इस पे भी V, इस पे भी V, इस पे भी V, इनके combination पे भी V, एक एक पे V, तो combination पे भी V, तो इस पे भी potential difference देखिए कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है V, यहां से current निकला I, अब ये current कहीं divide होगा क्या, नहीं रे, यही करंट वापस सेल में चला गया, यहाँ पे आई डिवाइड हो गया था आई वन और आई टू में, यहाँ आई निकला और आई वापस आ गया, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर ई, लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी, तो आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन, और यहां से आई टू इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी अपॉन आर टू, फिर हमें पता है यही करंट डिवाइड हुआ है किसमें, आई वन और आई टू में, तो अपन लिख सकते हैं भाई साहब, अपन लिख सकते हैं कैपिटल आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई वन कितना है v बाई आर वन, आई टू कितना है v बाई आर टू, और कैपिटल आई किसके इक्वल है v बाई आर ई इज इक्वल टू v बाई आर वन प्लस v बाई आर टू, v ने v को मार दिया, आंसर आया वन बाई आर ई इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। हाँ भाई साहब ये है पैरेलल का फॉर्मूला, वन बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू, वहां पे सीधा सीधा था आर वन प्लस आर टू, यहाँ पे वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। फिर से समझा देते हैं, पैरेलल में हमने क्या किया, दो रेजिस्टेंस लगाया, करंट कितना आया आई, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी, इसमें भी वी, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। फिर हमने बोला करंट को डिवाइड होना था, एक में आई वन एक में आई टू, तो हमने बोला करंट इज डिफरेंट। फिर हमने बोला यही करंट डिवाइड हुआ, तो हमने बोला करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। फिर हमने कहा इसमें करंट I1 गया, पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस R1, तो I1 is equals to V by R1। इसमें करंट I2 गया, पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस R2 है, I2 is equals to V by R2। फिर हमने कहा सेल को दो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ते नहीं है, सेल को एक दिखता है, तो हमने इक्विवेलेंट बना लिया, उस पे भी सेल लगाई V, करंट निकला I, पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I, तो हमने बोला I is equals to V by R। फिर हमने कहा यही I डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में, तो I1 की जगह लिखा V by R1, I2 की जगह लिखा V by R2, और I की जगह लिखा V by RE। तो मैं समराइज कर दूं, पहले तो मैंने डिराइव वगैरह भी कर दिया, अब मैं समराइज कर दूं बात की सीरीज में क्या होना पैरेलल में। देखो जब भी कॉम्बिनेशन सीरीज का दिखेगा तो उसमें एक बात साफ होगी कि करंट क्या होगा भाई साहब, करंट सब में सेम होगा और पोटेंशियल जो होगा वो डिवाइड हो गया होगा, कैसे, वी वन और वी टू में, है ना। अच्छा जब भी पैरेलल की बात होगी तो भाई साहब क्या होगा, पैरेलल में क्या चीज सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा।
अब करंट डिवाइड हो गया होगा भाई साहब किसमें, आई वन और आई टू में, इसमें करंट डिवाइड होता है, इसमें पोटेंशियल। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मुला बनेगा, सेल को जो रेजिस्टेंस दिखेगा वो दिखेगा R1 प्लस R2। सेल को अलग अलग रेजिस्टेंस दिखाई नहीं पड़ते, टोटल रेजिस्टेंस कितना दिखेगा R1 प्लस R2। यहाँ R1 प्लस R2 होता ही नहीं है, यहाँ पे क्या होता है 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, इधर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस पे वर्कआउट करते हुए हम लोग को बहुत से न्यूमेरिकल पहले करने होंगे किसमें, कॉम्बिनेशन में, फिर बहुत से न्यूमेरिकल करने होंगे हम लोग को किसमें, सर्किट में, सर्किट में करंट वगैरह निकालेंगे। तो अभी तक क्लियर हो गया है, क्या क्लियर हुआ है भाई साहब? करंट किसमें सेम रहता है? सीरीज में। पोटेंशियल डिफरेंस किसमें सेम रहता है? पैरेलल में। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम सवाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमारे पास ये रहा, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, यहां से एक रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं 6 ओम का, यहां से एक रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं 2 ओम का, और सबको जोड़ देते हैं, ठीक है ना, 2 ओम। ये तीन रेजिस्टेंस है। तो समझ में आ रहा है ये कौन सी शैली है? ये है पैरेलल शैली। शैली कौन है? अरे यार डिजाइन है ना, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1, कई लोग सोच रहे हैं अभी तक शैली कौन है, 1 बाई 2। तो यहाँ से इसका भाई एलसीएम कितना हो गया 6, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 4 2 6, 6 बाई 6 इज इक्वल टू 1, 1 बाई आर इज इक्वल टू 1, सो आर इज ऑल्सो इक्वल टू वॉट 1 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट जो आया इसका कॉम्बिनेशन का वो 1 आया। आप ध्यान से सुनो, मैंने एक लाइन पहले तुमसे बोली थी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर 1 2 3 होते तो आंसर आता 6, यानी जो आंसर आता वो सबसे बड़े से बड़ा होता। और पैरेलल में देखो हमारे पास 3 6 2 है तो आंसर आया 1, मतलब जो आंसर आया है वो सबसे छोटे से भी छोटा। पैरेलल में जो आंसर है वो सबसे छोटे से भी छोटा। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है, हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है पैरेलल में, जादू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम। अगर हमने पैरेलल में 3 रेजिस्टेंस लगाए तो जो आंसर आएगा वो सबसे छोटे से छोटा आएगा, और सीरीज में लगाते तो सबसे बड़े से बड़ा आता, मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है पैरेलल में कम हो जाता है। चलो दिमाग नहीं लगाओ, भी जाते सवाल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम एक और कॉम्बिनेशन आपको बना के दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है 6 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और इधर से एक रेजिस्टेंस और लगा दिया मैंने 2 ओम का, ये टर्मिनल ए ये टर्मिनल बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ओए होए बड़ा खतरनाक सवाल है। अब देखो तुम्हें इसमें एक दिमाग लगाना होगा, जिन टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है वहां से करंट आई निकालो, यहां से एक टर्मिनल ए से करंट निकालो आई, और दूसरे पे लेके जाना है आई, ये दोनों अब बैटरी के टर्मिनल, एक टर्मिनल से निकाला आई कहां जाना है बी, बिटवीन ए बी निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, फर्क पड़ता है किसके बीच में होता है। अब यहां से करंट आई आया, डिवाइड होगा कि नहीं, यहां गया आई वन, यहां गया आई टू, कुचुक 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 आई वन, कुचुक आई वन, कोई और रास्ता है नहीं, कुचुक 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 आई वन, यहां से कितना आया आई टू, दोनों मिलकर कितना बन गया आई, और बी से बाहर निकल गया जितना यहां से करंट डाला था हमने, कितना डाला था आई, उतना करंट यहां से बाहर निकल गया। अब देखो इस रास्ते पे करंट डिवाइड हुआ है, इन दो टर्मिनल पे देखो यहां से करंट डिवाइड हुआ, इधर आई वन भागा इधर आई टू, मतलब ये दोनों हो गए पैरेलल में। अच्छा ये करंट आई वन गया कुचुक, और इसमें भी आई वन, इन दोनों में करंट कितना है आई वन, देखो 6 ओम में करंट कितना गया, यहां से डिवाइड हुआ ना, इसमें हमने माना आई वन, इसमें आई टू, इसमें आई वन तो यहां भी आई वन। करंट सेम किस कॉम्बिनेशन में होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। इन दोनों में करंट क्या है? सेम। तो ये दोनों किसमें हो गए बच्चों? प्यार में नहीं, सीरीज में यार, है ना, ये दोनों किसमें हो गए? सीरीज में। तो 6 और 3 हो गए सीरीज में, तो 6 और 3 सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला R is equals to R1 plus R2 is equals to 6 plus 3 is equals to 9 ओम। तो इनका कॉम्बिनेशन का आंसर 9 आया, तो मैंने एक काम किया, इधर लिखा ए इधर लिखा बी, अच्छा ऊपर लिखा, चलो ऊपर लिख देते टेढ़ा मेढ़ा है ना, अच्छा तो ये 6 और 3 मिलके बन गए 9, तो ये हो गए 9, और यहाँ पे कितना लगा हुआ है 2, ठीक है। अब 9 और 2 साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि नहीं, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 9, एलसीएम विल बी 9 2 जा व्हाट 18 एंड 2 9 जा 9 2 जा इट इज 11 बाई 18, सो आर इक्विवेलेंट का आंसर होगा कितना 18 बराबर 11, निकाल लें आंसर निकाल लें, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 18 बराबर 11, 1 जा 11 70, 11 6 जा 66 40, 11 1.63 ओम। तो देखो जो आंसर आया है वो सबसे छोटे से भी छोटा, समझ में आया क्या? तो
तो यहाँ पे एक चीज देखना जरूरी था, कैसे सीरीज पैरेलल समझाना है, ठीक है। तो कभी दो टर्मिनल दे तो एक से करंट आई निकालो और दूसरे से पूरा पूरा करंट वापस चाहिए, जैसे बैटरी का होता है। तो मैंने यहाँ से करंट आई निकाला, यहाँ पे डिवाइड किया, इधर आई वन इधर आई टू, इसमें आई वन गया तो इसमें भी आई वन और इसमें आई टू, यहाँ पे दोनों मिलकर बन गए आई। अब इन दोनों में करंट देखा सेम है, जिसमें करंट सेम वो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो R1 + R2 9 बन गया। इनको हटा के 9 लगा दिया, 2 और 9 2 पैरेलल में दिख रहे थे, पैरेलल का फॉर्मूला 1/R = 1/R1 + 1/R2 लगा के सवाल को हमने खत्म कर डाला। इसके बाद हम एक और कॉम्बिनेशन लेंगे और वो ये रहा, चलिए एकदम सिमिलर है, ठीक है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन बनाया रे मैंने तेरे लिए, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। यहां पे मैंने रेजिस्टेंस लिया 2 ओम, यहां लिया 1 ओम, यहां लिया 1 ओम, यहां लिया 2 ओम, यहां लिया 3 ओम, 5 ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। करें चलो, तो क्या करें, समझ तो आ नहीं रहा सीरीज की पैरेलल, तो यहां से करंट आई निकाला, अब डिवाइड होगा। अब देखो तीन रास्ते हैं प्यार करंट के, तो करंट यहां कितना गया आई वन, यहां कितना गया आई टू, यहां कितना गया आई फोर, अच्छा आई थ्री, आई वन आई टू के बाद आई फोर नहीं आ सकता, अरे मेरी भी मैं कुछ भी ले सकता है, एक्स वाई भी ले सकता है, मेरी मर्जी। एनीवेज यहां करंट आई वन, यहां आई टू और यहां आई थ्री, तो इधर से आई वन गया कुछ 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 कुछ, यहां भी कितना आएगा आई वन, रास्ते में कोई और जगह है, कुछ और है, कहां जाए वन, कोई और रास्ता है उसके पास नहीं है ना, बेचारे को यहां जाना है बी पे। करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सर आपने कैसे माना, ऐसे ही मान लिया इसको हायर इसको लोअर, जो भी दो टर्मिनल दे एक को हायर एक को लोअर मान के सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, करंट एक टर्मिनल से दूसरी तरफ भागेगा, ये नहीं कि करंट को यहां से घुमा के इधर मैं भेज दूं, जैसे ये आई वन यहां आया तो मैं इस आई वन को बाहर निकालूंगा, ये नहीं कि इधर वापस अंदर डाल दिया, हायर से लोअर, यहां से आई टू आया आई टू भी गया रे, ये आई थ्री कुछ 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 कुछ, यहां भी कितना आई थ्री कुछ 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 कुछ, यहां आई थ्री आया, तीनों मिलकर कितने बन गए आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, है ना, आई तो डिवाइड हुआ आई वन आई टू आई थ्री। अब देखो साफ साफ समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करंट आई वन यहाँ आई टू यहाँ आई थ्री, ये दोनों में करंट सेम है, तो दोनों कौन से कॉम्बिनेशन हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें करंट सेम हो सीरीज, तो 2 और 1 सीरीज में हो गए। तो मैंने बनाया ए, मैंने बनाया बी, 2 और 1 सीरीज में, सीरीज का फॉर्मूला है R1 + R2, तो ये वाला हटा के 2 और 1 को मिला के हम लिख सकते हैं 3 ओम। अच्छा ये वाला जो 3 है इसको मैंने लिख लिया 3 ओम, और ये वाला देखो कितना है 1 और 2, इनमें करंट सेम है ना I3 और I3, तो ये दोनों भी किसमें हो गए सीरीज में, जिनमें करंट सेम वो सीरीज में, तो ये भी हो गया 3 ओम। सो 3 ओम 3 ओम 3 ओम एंड 3 ओम 6 ओम 6 ओम एंड पाओ, ये तो पहले समझ में आ रहा है, तो 1/RE = 1/3 + 1/3 + 1/3 = LCM 3 1 1 1 3 3 by 3 is 1 एंड 3 नहीं यार तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा 1 ओम, बैड जोक। ओके सो इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना आ रहा है इसका, 1 ओम आ रहा है, जो कि इन सबसे छोटे से भी छोटा है। समझ में आया कि कॉम्बिनेशन, ये दो टर्मिनल थे ए और बी, तो मैंने कहा एक से करंट आई निकालना, डिवाइड किया, यहाँ पे एक रास्ता ये एक रास्ता ये एक रास्ता ये, यहाँ से करंट आई वन गया, इसमें भी करंट आई वन गया, मतलब दोनों सीरीज में हुए, तो 2 और 1 को जोड़ दिया, सीरीज का फॉर्मूला R1 + R2 3 आया, यहाँ से करंट आई थ्री गया, इसमें भी आई थ्री गया, मतलब ये दोनों सीरीज में हुए क्योंकि करंट सेम है, 1 + 2 3 लिख लिया और बीच में 3 लगा, दोनों पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल 1/RE = 1/R1 1/R2 1/R3 और ऐड कर दिया और आंसर आ गया, बोलो समझ में आ गया। तो इस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, वैसे सवाल तो बहुत ये सारे हैं, सवाल खत्म नहीं होते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और क्वेश्चन है ऐसे ऐसा हमने बना लिया, लंबा लंबा बना लिया ना, डर लग रहा है सर बहुत बड़ा है, अरे ऐसा नहीं सर, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं, वैल्यू मैं दूंगा 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम एंड दिस आई विल गिव 1 ओम 2 ओम 3 ओम, इसको वैल्यू मैंने दिया 2 ओम 3 ओम 2 ओम 1 ओम, ठीक है, रैंडम वैल्यू दी है सर, आप डिसाइड करके देते हो क्वेश्चन, आप छपके आते हो, नहीं यार रैंडम वैल्यू ऐसी मैंने सजा रखा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए ऐसी वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, पता नहीं होगी कि नहीं। चल शुरू करते हैं, अब टर्मिनल्स हमारे कौन से हैं और भी हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या तरीका है, इतना टफ सवाल वही तरीका है यार, वैसे ही स्टार्ट करना है और क्या, वैसे ही स्टार्ट करना है और क्या, यहाँ से करंट निकाल लेंगे कितना आई, अब ये करंट यहाँ चला, यहाँ पे डिवाइड होगा किसमें आई वन, और यहाँ से कितना आई टू,
फिर ये आई वन आगे बढ़ेगा कुछ 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 यहाँ पे आई वन फिर डिवाइड होगा, तो मैंने बोल दिया ये हो गया आई थ्री और ये हो गया आई फोर, आई फोर आगे बढ़ा सॉरी आई थ्री आगे बढ़ा कुछ 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 इसमें भी कितना आया आई थ्री कुछ 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 इसमें भी कितना आया आई थ्री कुछ कुछ कुछ। अब रुको जी क्या यहाँ पे सब सही किया, आई लाया आई वन आई टू डिवाइड किया, यहाँ लाया आई थ्री आई फोर में डिवाइड कर दिया, ये करंट आई वन डिवाइड इनके बारे में मत सोचो ना यार, अभी यहाँ समझो ना आई थ्री आई फोर में डिवाइड कर दिया। अब आई थ्री इसमें भी आया और इसमें भी आया और इसमें भी आया, तुम आई टू के लिए डर रहे हो, अरे आई टू यहाँ पे आने के बाद पीछे नहीं आएगा, करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, हमने माना ए हायर है बी लोअर है, तो करंट यहाँ घूम के अंदर आना चाहता है, आई टू घूम के वापस नहीं जाएगा, आई टू इधर आएगा ठीक है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे, आई फोर भी इधर जाएगा, तो आई थ्री आया इसमें इसमें इसमें, तो इन तीनों में हम देख रहे हैं कि करंट इज सेम, और करंट सेम किसमें होता है हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी ये वन टू थ्री किसमें थे सीरीज कॉम्बिनेशन में थे, तो सीरीज में वन प्लस टू प्लस थ्री कितना हो गया वन टू थ्री 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 सिक्स, तो इन तीनों को हटाकर इन तीनों मैं साइड में करूंगा इसमें हटाऊंगा तुम कंफ्यूज हो गए, इन तीनों को हटाकर वन टू थ्री को हटा के हम सिक्स का लगा सकते हैं यहीं पे छह ओम, इन तीनों को हटा के हम छह ओम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे रे बब्बर रे बब्बर, इन तीनों को हटा के मैंने लगा लिया बहुत गंदा बना रहे सिक्स ओम, ये कितना है थ्री ओम, ये कितना है टू ओम, ये कितना है टू ओम, और ये कितना है थ्री ओम, और ये कितना है टू ओम, और ये कितना है वन ओम ठीक है, तो इन तीनों पटाखे मैंने सिक्स लगा लिया। अब यहां से देखो बच्चों यहाँ पे जो करंट है इस जगह पे यहाँ पे करंट गया I3 और यहाँ पे करंट गया I4, मतलब इस वाले टर्म में करंट I3 और इस वाले में I4, इसमें I3 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 इसमें I4 I4 I4, और यहाँ पे आके दोनों मिल गए, इन दोनों को ध्यान से देखो, अगर इन सबको हटा के हम लगा लें सिक्स ओम का रेजिस्टेंस, तो देखो सिक्स ओम और थ्री ओम सेम पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्टेड है, टर्मिनल सेम है कि नहीं, यहां से करंट भी देखो डिवाइड हो रहा है, ये जो करंट आ रहा था कौन सा आई वन डिवाइड हो रहा है आई थ्री प्लस आई फोर, पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट डिवाइड होना, पोटेंशियल क्या है दोनों में सेम, देखो दोनों सेम से कनेक्टेड है कि नहीं, ये भी उसी पे कनेक्टेड है भी, तो सिक्स और थ्री आर इन पैरेलल, तो वन बाई आर ई इज इक्वल टू वन बाई सिक्स प्लस वन बाई थ्री, एलसीएम हो गया सिक्स वन प्लस टू थ्री बाई सिक्स, आंसर इज वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई आर ई, तो आर ई की वैल्यू आ गई हमारी टू ओम, यहाँ पे आर ई कितना हो जाएगा टू ओम ठीक है, तो इन दोनों को हटाकर हम कितना लगा सकते हैं टू ओम लगा सकते हैं, तो मैंने ये दोनों रेजिस्टेंस यहां से हटा दिए और यहां लगा लिया टू ओम का रेजिस्टेंस। अब देखो क्वेश्चन आसान हो गया, अब ये आई वन जो आएगा ये यहां चला जाएगा आई वन कुछ 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 कुछ, इसमें कितना गया आई वन, रिड्यूस करते जा रहे ना, छह और तीन पैरेलल में थे, इक्विवेलेंट कितना आ गया टू, तो यहां लगा लिया टू। अब ये देखो जो करंट आई वन आ रहा था I3 I4 में, इसको डिवाइड होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें भी आई वन इसमें भी आई वन, ये तीनों किस में हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, तो टू प्लस टू प्लस टू सीरीज में हो गए कि नहीं, टू प्लस टू प्लस टू कितना हो गया सिक्स, तो इन तीनों को हटाकर हम यहां पर फिर लगा सकते हैं एक सिक्स ओम का रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में हो गया पैरेलल में हो गया, तो 1 बाई आर ई इज इक्वल टू 1 बाई थ्री प्लस 1 बाई सिक्स, एलसीएम हो गया 6, 3 टू 6, 3 बाई सिक्स, और आंसर आया कितना 1 बाई टू, 1 बाई आर ई इज इक्वल टू 1 बाई टू, और आर ई कितना हो जाएगा 2 ओम, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 2 ओम। अब यहां पर मैंने लगा लिया कितना 2 ओम, अब 2 2 1 किस में हो गए, देखिए करेंट मान लीजिए I निकला, इसमें भी कितना गया I, इसमें भी कितना गया I, तो इन तीनों में करंट क्या हो गया सेम, तो ये हो गया सीरीज में 2 2 1 2 2 4 1 5 6 सीरीज हो गया कि नहीं, तो हमने बोल दिया लास्ट आंसर कितना हो गया 2 2 4 1 5 5। ओके बच्चों थैंक यू।